बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय, दिल्ली में कांग्रेस में हुए शामिल। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, नहीं पहुंचे दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए अमरोहा से सांसद दानिश अली बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया था निलंबित। हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, आज तक से खास बातचीत में खबर पर मुहर लगाई। चिराग पासवान ने कहा अगर चाचा पशुपति जी भी हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव तो मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद 29 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में प्रत्याशियों का ऐलान। संजय राउत का पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान, कहा मोदी के पड़ोस वाले गांव में हुआ था औरंगजेब का जन्म, इसीलिए औरंगजेब की सोच गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर कर रही है चढ़ाई। संजय राउत के बयान पर डिप्टी सीएम फडणवीस का बोलने से इनकार, कहा उन पर प्रतिक्रिया देना मेरी गरिमा के खिलाफ। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी समन से जुड़ी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट का सवाल 9 समन पर अब तक क्यों नहीं हुए पेश, पूछा आपके नाम से समन है तो पेश होने में हर्ज क्या है। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का वार, कहा कोर्ट ने उन्हें दिखाया आईना, अब ईडी से भागने का नहीं है कोई राह। बदायूं के दोहरे हत्याकांड मामले में फरार आरोपी जावेद की तलाश तेज, पूछताछ के लिए मारे गए मुख्य आरोपी साजिद के पिता चाचा को हिरासत में लिया गया। बदायूं के डीएम ने आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट 15 दिन में देंगे रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा यह कई विभागों की नाकामी, लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही जीरो हो गई है, सरकार इसका लेना चाहती है सियासी लाभ। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य का समाजवादी पार्टी पर पलटवार, कहा अपनी सरकार का याद रखे कारनामा, खुद की गिरबा में झांके। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव आयोग में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, शक्ति और ईवीएम पर बयान को लेकर आपत्ति। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पलटवार, कहा अधर्मी है बीजेपी, इनको गीता या धार्मिक ग्रंथ दोबारा पढ़ना चाहिए। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 की मौत, 4 की हालत नाजुक, पुलिस ने दर्ज किया धारा 302 के तहत मामला। इस साल 2 महीने तक नहीं चलेगी अमरनाथ यात्रा, 45 दिन तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, चुनाव की वजह से फैसला। में स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कहा विकसित भारत संकल्प में जुटे हैं युवा नारी शक्ति, देश में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी।